सो वेलकम टू द इंडियन एडवांस स्टडीज़। सो आज की जो इस वीडियो में आप सभी स्टूडेंट्स को मैं बताऊंगा मिजोरम। सो इन दिस वीडियो आई विल गिव यू मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स रिलेटेड टू मिजोरम पॉलिटेक्निक एडमिशन, ठीक है। सो कैसे आपको कहाँ से किस तरह से करनी होती है, ये सभी की जो डिटेल्स होती है आपको इस वीडियो में बताऊँगा। लाइक आपका जो अप्लीकेशन फॉर्म है, रिजल्ट है, मेरिट लिस्ट है, एलिजिबिलिटी क्रिटेरिया है, इन सभी के बारे में डिटेल्स आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करने वाला हूँ इस वीडियो में। इन दिस वीडियो आई विल एक्सप्लेन यू सारे डिटेल्स इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप। मेक श्योर कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि एक स्पेशल चैनल बनाया गया है मिजोरम पॉलिटेक्निक के रिलेटेड। सो सिंपली आपको क्या करना होता है, आपको यहाँ पर टाइप करनी होगी इस वेबसाइट का नाम जो मैंने यहाँ पर टाइप किया है, IASFR। इस वेबसाइट पर क्या होता है कि आपको मिजोरम TT के रिलेटेड, जो यहाँ पर मिजोरम पॉलिटेक्निक है, इसके रिलेटेड आपको जो है IASFR का ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू आपको सारे नोटिफिकेशंस, अपडेट्स, सब कुछ सबसे पहले आपको मिलता है। तो इस वीडियो में आप यहाँ पर अप्लीकेशन फॉर्म, डेट्स के बारे में, एलिजिबिलिटी के बारे में, क्राइटेरिया, सभी डिटेल्स देखने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप। अप्लीकेंट हु वॉन्ट टू गेट एडमिशन इन दिस मिजोरम TT पॉलिटेक्निक में, सबसे पहले तो आपको ये फॉर्म फिलअप करनी होगी, जिसमें आगे बढ़ने से पहले ये फॉर्म में क्या फिल करनी होती है, सिंपली आपको अपना नाम, ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर, स्टेट, सिटी, इंटरेस्टेड कोर्स, हाईएस्ट क्वालिफिकेशंस की डिटेल्स देनी है, और आपको गेट फ्री काउंसलिंग पे क्लिक करनी है। सो क्या होगा कि द बेस्ट सजेशंस ऑफ द कॉलेज रिलेटेड टू आपको मिलेगा, आपके इंटरेस्टेड जो आपका ईमेल आईडी और कॉन्टैक्ट नंबर है उसके थ्रू आपको मिलेगा, ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं, जहाँ पर आपको जानना है कि एडमिशन लेते समय आपको सारी चीज़ें क्या ध्यान में रखनी पड़ती है और क्या क्या सारी चीज़ें जानेंगे, तो उस हिसाब से आप एडमिशन ले सकते हैं यहाँ पर। तो मिजोरम पॉलिटेक्निक जो है लैंग्वेज में है, ईस्ट यूनिवर्सिटी में है, ठीक है। यहाँ पर कॉलेज है, नीड टू फिल अप्लीकेशन फॉर्म, ताकि आप सबमिट करके अप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के बाद आप एडमिशन ले सकें यहाँ पे। ये जो है अवेलेबल किया जाएगा, अप्लीकेशन फॉर्म अवेलेबल ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ द मिजोरम पॉलिटेक्निक, ओके। अब यहाँ पर क्या देखते हैं, ये किस पे बेस्ड है, बेस्ड ऑन द मार्क्स स्कोर इन द प्रीवियस क्वालिफिकेशन एग्जामिनेशन अप्लीकेंट विल गेट एडमिशन टू द मिजोरम पॉलिटेक्निक कॉलेज। इन दिस एग्जामिनेशंस एवरी ईयर मैनी ऑफ द कैंडिडेट्स अपीयर, हर साल कोई ना कोई बच्चे यहाँ पर एडमिशन लेते हैं और पढ़ाई करते हैं, एग्ज़ाम देते हैं, पास होते हैं और आगे की जो जो करना प्रोसेस वो करते हैं। यहाँ पर क्या होता है, इट इज़ बेस्ड ऑन द सिस्टम, जो यहाँ पर सिस्टम के हिसाब से डिपेंड करता है। यहाँ पर क्या है कि इट वॉज एस्टेब्लिश बाय द गवर्नमेंट ऑफ मिजोरम इन द ईयर ऑफ 1981 में ये इस्टेब्लिश हुआ था गवर्नमेंट के थ्रू। विद द हेल्प ऑफ द एडमिशन प्रोसीजर एप्लीकेंट विल बी एबल टू गेट एडमिशन इन द सिविल इंजीनियरिंग कोर्सेज में। अब यहाँ पर बात करते हैं एडमिशन डेट्स के बारे में। सो ऑफिशियली अथॉरिटीज यूनिवर्सिटी के थ्रू यहाँ पर अप्लीकेशन फॉर्म और सारी इंफॉर्मेशन अबाउट द इंपॉर्टेंट इवेंट्स, टेंटेटिव डेट्स विल बी अपडेटेड ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू। तो चलिए देखते हैं आपको इवेंट्स वगैरह कैसे देखने होते हैं। सिंपली आपको यहाँ पर इवेंट्स अवेलेबल किया जाता है और डेट अवेलेबल किया जाता है, और अप्लीकेशन फॉर्म कब रिलीज़ की जाएगी उसकी डेट आपको यहाँ पर दे दी जाती है। अगर आपको उसकी सही डेट, रियल डेट जाननी है, तो आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के चेक करनी पड़ेगी। वहाँ पर अभी जब तक अभी डेट अपडेट नहीं किया जाएगा, तब तक यहाँ पर भी चेंज नहीं होगा। जैसे अपडेट होता है, जैसे अपडेट कुछ रिलीज़ निकलता है, तो उस हिसाब से यहाँ पर चेंजेस किया जाएगा। मेरिट लिस्ट, अलॉटमेंट डेट्स वगैरह सभी चीज़ें यहाँ पर आपको चेंज नहीं दिखेगी, और उस हिसाब से आप सारे प्रोसेस कंप्लीट करेंगे। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फॉर्म प्रोसेस के बारे में। एप्लीकेशन फॉर्म विल बी मेड अवेलेबल ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू, ठीक है, ऑनलाइन मोड से आपको मिलेगा उस यूनिवर्सिटी के थ्रू जहाँ पर आप देख पा रहे हैं। अब इस यूनिवर्सिटी में आपको क्या होगा, एप्लीकेशन फॉर्म को रिलीज़ किया जाएगा, और उसमें क्या करना होता है, आपको क्रिएट करना पड़ेगा आईडी पासवर्ड जो होता है, न्यू आईडी क्रिएट होगा ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू, जिस वजह से आप रजिस्ट्रेशन करते समय कम्प्लीटली इंफॉर्मेशन वहाँ पर फिल करने के बाद आप क्या कर सकते हैं, लॉगिन करेंगे और रजिस्ट्रेशन अपने कंप्लीट करेंगे। किसके थ्रू, नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, डेट ऑफ बर्थ होता है, तो वो हमेशा काम आएगा जब भी आप लॉगिन करने जाएंगे तो, ठीक है, ओके। एट द टाइम ऑफ फिलिंग एप्लीकेशन फॉर्म नीड टू एंटर पर्सनल इंफॉर्मेशन, एजुकेशन डिटेल्स, कोर्स रिलेटेड डिटेल्स, कॉन्टैक्ट एंड पेरेंट्स डिटेल्स एंड सम मोर एडिशनल डिटेल्स एज नीडेड, ओके। और आपको फीस पे करने की भी ज़रूरत है, वहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म के फीस को पे करना होगा। एप्लीकेंट नीड टू पे द एप्लीकेशन फी एंड सबमिट द एप्लीकेशन फॉर्म, ओके।
एप्लीकेशन फॉर्म इज़ द फील्ड। जब आप फिल कर लेते हैं एप्लीकेशन फॉर्म को, उसके बाद को क्या करना है कि एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट निकाल लेना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो फ्यूचर रेफरेंस के लिए। सो एलिजिबिलिटी क्रिटेरिया की बात कर रहे थे, तो एलिजिबिलिटी क्रिटेरिया इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हियर। सो यहाँ पर क्या होता है कि अगर आपको डिप्लोमा कोर्सेज में एडमिशन लेनी होती है, तो अगर आपको लेनी है तो क्या करने पड़ेंगे, क्या क्या सारी चीज़ें देखनी, तो सिंपली आपको यहाँ पर देखना होता है कि क्वालिफिकेशन कितना चाहिए अगर आपको डिप्लोमा कोर्सेज में एडमिशन लेना है। तो आप देख सकते हैं, यू कैन सी कि क्वालिफिकेशन एग्ज़ाम मस्ट बी कम्प्लीटेड अ सेकेंडरी स्कूल, ओके 10th क्लास आपका कम्प्लीट हो रहना चाहिए किसी भी बोर्ड से, ठीक है, और 12th क्लास आपने कंप्लीट किया है, मस्ट बी ऑल्सो कम्प्लीटेड बाय 12th क्लास किसी भी इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज बोर्ड से, तो अच्छी बात है। एप्लीकेंट मस्ट हैव सिक्योर मोर देन कितने परसेंट मार्क्स, 45% मार्क्स, ठीक है 10th क्लास में, 12th क्लास में भी अगर इतना कम्प्लीट किया ठीक है। तो उसके बाद जो है, जो रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उन लोगों को कम से कम 40% मार्क्स भी सिक्योर करते हैं तो भी यहाँ पर वो क्वालिफाई हैं, वो एलिजिबल हैं। तो फिर अभी यहाँ पर बात करता हूँ, अगर आपने 12th क्लास, ठीक है 12th क्लास पास की है, तो यहाँ पर कितना मार्क्स शेयर होता है, 50% मार्क्स शेयर रहेगा, 50% आपने मार्क्स सिक्योर कर लिया है तो यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबल हैं। और एप्लीकेंट हु आर द बिलो एज 25 ईयर आर ओनली एलिजिबल टू द एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है जब एडमिशन लेने जाएंगे उस समय 25 ईयर आपका एज है कम्प्लीटली, तो उस समय भी आप एलिजिबल रहेंगे। अभी बात करता हूँ मैं यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस की, जहाँ पर आप सेलेक्ट कैसे होंगे। तो सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है कि यहाँ पर आपको देखना होता है कि एंट्रेंस एग्जाम इज़ कंडक्टेड बोर्ड द एप्लीकेशन फॉर्म, जो आपको क्या करती है ऑफिशियल वेबसाइट आपको प्रोवाइड करती है एप्लीकेशन एडमिशन प्रोसीजर के बारे में, कि आप यहाँ पर एडमिशन लीजिए, फिर जो यूनिवर्सिटी में आपको सब लिंक वगैरह नोटिफिकेशन दी जाती है उस हिसाब से आपको क्या कीजिए, उस पे आपको आगे प्रोसेस करना है। फिर आपको क्या होता है कि एडमिशन लेने के बाद वहाँ पर बेस्ड रहता है आपके मेरिट लिस्ट पे, एडमिशन कैसे होगा मेरिट लिस्ट पे डिपेंड करता है, मेरिट लिस्ट में अगर आपका नाम आया, ये मेरिट लिस्ट किस पे बेस्ड होता है, आपके मार्क्स पे, जितना भी आपने मार्क्स सिक्योर किया है उस पे डिपेंड करता है। तो आपने जितना ज़्यादा मार्क्स, जितना अच्छा मार्क्स आपने सिक्योर कर लिया आपने एग्ज़ाम प्रीवियस क्वालिफिकेशन में, तो आपका मेरिट लिस्ट में नाम आएगा, फिर उसके बाद आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं और एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है ओके। सो कोर्सेज ऑफर करती है ये यूनिवर्सिटी, जो आपको यहाँ पर देखने होती है बहुत सारे कोर्सेज, जो सिविल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग है, तो ये सारे कोर्सेज यहाँ पर ऑफर करती है ये यूनिवर्सिटी, आप यहाँ पर चाहे तो पढ़ सकते हैं अच्छे से ध्यान से। आप सीट इंटेक देखना चाहेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अलग अलग कोर्सेज के लिए अलग अलग सीट इंटेक है यहाँ पर, जैसे कि इंजीनियरिंग कोर्स 90% सीट्स यहाँ पर भरते ही हैं, मतलब 90% सीट्स यहाँ पर फुल हो ही जाते हैं कम से कम, और यहाँ पर आप देख ही सकते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट 90% सब कुछ यहाँ पर। और कुछ डॉक्यूमेंट्स है जो आपको पता ही होना चाहिए, ये सारे डॉक्यूमेंट्स इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर दियर फ्यूचर रेफरेंस, जो यहाँ पर 10th के क्लास सर्टिफिकेट चाहिए होता है, और ओरिजिनल TC ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट होता है, और ओरिजिनल ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, करंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स, क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स, ये सारे सर्टिफिकेट्स यहाँ पर आपको चाहिए होता है, तो और 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, ठीक है। तो ये सभी सर्टिफिकेट्स जो आपको बता दिए डॉक्यूमेंट्स, ये नीडेड है जब भी आप एडमिशन लेते जाएंगे, लेने वाले रहेंगे, या फिर कभी भी आपकी लाइफ में, कभी भी आगे आने वाले समय में भी काम आता है ये सभी चीज़ें, तो इस चीज़ को आप ध्यान से संभाल के रख सकते हैं और काफ़ी काम आने वाली है। और जो मैंने यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन दी रिलेटेड टू मिजोरम पॉलिटेक्निक, तो यहाँ पर उस चीज़ को ध्यान से सुनना था आपको, जो भी मैंने बताया आपको, मे बी यहाँ पर आपको जो भी डाउट्स वगैरह हैं तो आप यहाँ पर आकर के चेक भी कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, खुद भी समझ सकते हैं, अच्छे से रीड कर सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस पेज की लिंक दे रखी है, आपको क्लिक करके इस पेज पर आना है और मिजोरम की जो पॉलिटेक्निक है उसका सारे प्रोसेस को कम्प्लीटली पढ़ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।